बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हैं वो डेरिवेटिव्स आज हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। वी डिनोट एंड डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलोज। y इज इक्वल टू साइन x, और इस आपके पास जो फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं, जबकि इस फंक्शन की जो साइन x है इसकी जो रेंज है आपके पास -1 से लेके 1 तक है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास जो आउटपुट्स है वो -1 से लेके 1 तक देता है, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो इसकी आउटपुट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2 जो है वो कभी भी इसकी आउटपुट नहीं हो सकता। इसकी डोमेन में तो आएगा लेकिन इसकी रेंज में नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के तौर पर आ सकता है। y इज इक्वल टू cos x, और cos x की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, जबकि इसकी रेंज भी -1 से लेके 1 तक है। y इज इक्वल टू tan x, इसकी डोमेन जो है आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं मास्वाय इनके, इस तरह के रियल नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग है इनको निकाल के 2n+1 × π/2, इस तरह के नंबर्स के अलावा सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो tan x की डोमेन में है, और इसकी रेंज है वो सारा का सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। y इज इक्वल टू cot x, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है मास्वाय, इसको एक्सक्लूड कर दे, इनके अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आएंगे, और ये आपके पास की रेंज है वो आर के इक्वल है। इस तरह से सीकेंट और कोसेकेंट की डोमेन बताई गई है, ठीक है। ये आपने याद करना है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये उनकी डोमेन और रेंज के मतलब भी बताया गया है, ये आपने याद करना है। पेज नंबर 71, वो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हुए हम ये दो लिमिट्स जो है यूज़ करेंगे, जो पीछे हमने पढ़ भी रखी है, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 − cos x/x इज इक्वल टू 0। बाज़ औक़ात ये आपके पास MCQs के तौर पर भी आ जाती हैं, ये लिमिट्स आपने याद करनी है, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन x, और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेटिव, वही आपके पास 2.1 और 2.2 के मेथड की तरह, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है, डेल्टा वाई बनाना है, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये कैसे आएगा, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट लाने से, चेंज लाने से, ठीक है जी। वाई उठा के इस तरफ ले आए, या आप जो है वो सेकंड स्टेप में माइनस वाई करते हैं दोनों साइड्स पर, y y से कट गया, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, ठीक है जी। अब इसका फार्मूला किसके बराबर है, आपने सेकंड सेमेस्टर में ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q by 2 sin p माइनस q by 2, ये हम p के तौर पर ले लेंगे और ये q के तौर पर आ जाएगा, 2 cos x प्लस डेल्टा x माइनस x प्लस x ओवर 2, ये p प्लस q इंटू sin p माइनस क्यू, ठीक है जी। ये हमने डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस एक्स 2 एक्स
प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, एक्स एक्स से कट गया, डेल्टा एक्स ओवर टू। ठीक है, अब दोनों साइड्स पर आप डेल्टा एक्स के साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। टू एक्स, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स। ये मैंने साइन एक्स के नीचे इसलिए डेल्टा एक्स लिखा है क्योंकि मैं ये लिमिट है यूज़ करके तो इसकी जगह पे वन पुट करूँगी, इसलिए मैंने साइन के नीचे इसको लिख दिया है। ये जो टू है आपके पास ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो गया। कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू ओवर डेल्टा एक्स बाय टू। टू को यहाँ लाने का मकसद क्या था, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो यहाँ पर एंगल होगा वही नीचे डिवाइड हो रहा होगा, तब हम ये लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंगल होगा और जो अगर ये दोनों सेम होंगे तब ही हम इसकी जगह पर लिमिट जो है वो वन यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को सेम किया। यहाँ पर टू की बाय टू की कमी थी, लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड पे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स बाय टू ओवर डेल्टा एक्स बाय टू। ये सारी लिमिट क्या हो जाएगी, वन, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स कॉस टू एक्स प्लस ज़ीरो ओवर टू, ये आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, वन। टू टू से डिवाइड होकर क्या रह जाएगा, टू टू से डिवाइड होके कॉस एक्स। तो आपने देखा कि डी बाय डी एक्स साइन एक्स किसके इक्वल आ गया है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास कॉस है, ये आपने याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइजेज में यूज़ होने फार्मूला, मैं बाकी फार्मूलाज भी लिखती हूँ और आपको बताती भी हूँ, आपने वो फार्मूलाज ड्राइव भी करने हैं, एक मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया और आपने वो याद भी करने हैं। पेज नंबर 72 पे ये आपके पास हमने साइन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा, इसके बाद जो है वो कॉस का है ये आपने खुद ड्राइव करना है, ठीक है, साइन का, और फिर ये सीकेंट का है ये भी आपने करना है ड्राइव। आपने जो है ये जो फार्मूलाज हैं बाकी पेज नंबर 71 से लेके 73 तक ये आपने बेटा सारे करने हैं और ये सारे याद भी करने, याद होंगे तो एक्सरसाइज होगी और तभी समझ आएगी क्वेश्चंस की। ये फार्मूलाज के रिजल्ट्स हैं, मैं लिखने लगी हूँ, आपने ये सारे याद करने हैं। अभी अभी एक हमने ड्राइव किया है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स के, ये याद रखना है, डी बाई डी एक्स और कॉस का डेरिवेटिव जो आपने ड्राइव करना है वो होता है माइनस साइन एक्स। नंबर टू, नंबर थ्री, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये पेज नंबर 71 से 73 तक ड्राइव हुए, एक मैंने कब करके दिखाया, बाकी आपने करने हैं और इनके रिजल्ट्स याद भी करने हैं। ये रिजल्ट्स लिख रही हूँ, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, सेकेंट स्क्वायर एक्स है ये। डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और टेन एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये है
डी बाई डी एक्स कोसेकेंट एक्स, आपके पास माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे फार्मूलाज आपको अजबर याद होंगे, तब ही एक्सरसाइज सॉल्व होनी है और इनको ड्राइव करना भी सीखना है। बुक के पेज नंबर 71-73 तक ये सारे ड्राइव हुए हैं, एक आपको करके दिखाया है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज, अब ये जो स्केयर है ये एक्स के ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है, ये सारे के ऊपर नहीं है, सिर्फ एंगल के ऊपर स्केयर है। यानी कि दो तरह की बातें हैं, एक तो है अगर तो इधर होता तो इसका मतलब है कॉज एक्स दो दफ़ा है। अब जो है आपके पास इसके ऊपर है, इसका मतलब एक्स के ऊपर है, कॉज एक ही दफ़ा है, एक्स डॉट एक्स है, ठीक है जी। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है, इस अगर यहाँ पर स्केयर हो इसका मतलब कॉस टू टाइम्स है, और ये एंगल के ऊपर है, इसको एंगल है, ये एंगल है, तो इसको इसका मतलब एंगल का स्केयर है, एंगल टू टाइम्स है। अब इसका डेरिवेटिव वाई प्लस डेल्टा वाई कैसे आएगा, एक्स के अंदर चेंज लाने से, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर, दोनों तरफ माइनस वाई कर दें, माइनस वाई इस साइड पे भी करना है, जिसकी वैल्यू क्या है कॉज एक्स स्क्वायर, वाई वाई से कट गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस टू sin p प्लस q बाई टू इंटू sin p माइनस q बाई टू, ये फार्मूला यूज़ होगा, ये cos p है और ये cos q है, ठीक है जी। माइनस टू फार्मूले का sin ये P है, प्लस ये Q है, P माइनस Q ओवर टू, इसको ओपन करें, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर टू साइन एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर टू। एक्स स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर टू, साइन एक्स स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या रह गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स ओवर टू। ठीक है जी, अब क्या करें, अब आप दोनों तरफ ये डेल्टा वाई कैलकुलेट किया है ना हमने, दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस टू साइन टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर
over 2 sin डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, डेल्टा एक्स बाकी का रह गया डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स।